नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे हमेशा स्पेशल होता है, तो आज की क्लास भी स्पेशल होनी चाहिए। आज हिंदी की व्याकरण से संबंधित मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ। एक 10 सेकंड का स्क्रिप्ट भी आपके लिए कहीं ना कहीं पीछे रख सकता है। क्या है कि जीके और साइकोलॉजी की क्लासेस तो नियमित रूप से आ रही है और आप देख भी रहे हैं कि उसमें काफी ट्रिक्स मिल चुकी है और आपके निरंतर कमेंट आते हैं, सर ये डालिए सर ये डालिए। और सर है एकलई और एकलई क्लास ले सकूं, दिन रही एक ही ले सकूं, ज्यादा नहीं ले सकूं। और जितना हो सकेगा, जितना ज्यादा हो सकेगा मैं क्लासेस देने की कोशिश करूंगा। मेरे दिमाग में पूरी रणनीति है कि कौन कौन सी क्लासेस और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनकी क्लासेस आप तक आनी जरूरी है, वो सारी ही मैं दूंगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, अपने वर्ण विचार और उच्चारण स्थल की 100 ट्रिक्स देने वाला हूं मैं आपको। इसको अगर मिस कर दिया तो समझ लीजिए कि आप, ये हिंदी का आधार स्तंभ होता है वर्ण विचार। कई जने कहेंगे कि सर हमारा तो रीट में हिंदी में ये टॉपिक है ही नहीं। ये हिंदी विषय का आधार स्तंभ है, इसमें से प्रश्न कहीं से भी, परीक्षा पेपर बनाने वाला कहीं से भी इससे लिंक करके दे सकता है। और संस्कृत में तो स्पेशल वर्ण विचार जुड़ा हुआ ही है और इतना कंफ्यूजन होता है इसमें, मैं भी काफी कंफ्यूज होता था इसमें। धन्यवाद अर्जुन सिंह जी आड़ा, जो मेरे व्याख्याता साथी है, उन्होंने यह तरीका बताया था और वो किसी कारणवश क्लास लेने नहीं आ पाए, तो मैं ही आपके साथ में ये क्लास साझा कर रहा हूँ। आने वाले समय में अर्जुन सिंह जी आड़ा भी आपको हिंदी की क्लास लेते हुए अपने गौरव ज्ञान धारा पर मिल जाएंगे। संधि की बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह वो सारी क्लासेस आपको निरंतर मिलेगी। बस आप ऐसे ही बने रहें, अपने साथियों तक शेयर जरूर करें, और ये क्लास पसंद आती है तो शेयर और लाइक बनता है। ठीक है, शुरू करते हैं अपन वर्ण विचार को। सबसे पहले देखा जाए तो हिंदी में, हिंदी की क्लास है संडे स्पेशल, तो हिंदी में वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन से बने होते हैं। ठीक है, स्वर जो होते हैं उनकी संख्या 11 मानी गई है और व्यंजन की जो संख्या है वह 33 मानी गई है, 33 मानी गई। यदि ऐसे देखा जाए तो इसका टोटल 44 होता है, लेकिन माना जाता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। 52 में फिर संयुक्त अक्षर भी जुड़ जाते हैं, आपके अंतस्थ उष्मीय वो भी जुड़ जाते हैं, अंतस्थ उष्मीय तो इसके अंदर ही आ गए आपके, लेकिन संयुक्त अक्षर जुड़ जाते हैं और फिर अयोगवाह जुड़ जाते हैं। इस तरीके से सब मिलकर जो है टोटल 52 हो जाते हैं। वैसे स्वर और व्यंजन स्पेशल देखे जाए तो 11 और 33 होते हैं। अब इनमें उच्चारण स्थान में हम कंफ्यूज होते हैं हमेशा कि इसको कैसे किया जाए, तो मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ। एक सारणी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, वही ट्रिक्स है इसकी। वह सारणी बनाना आप सीख गए, सिर्फ 2 मिनट का काम है। वह सारणी बनाना आप सीख गए तो समझ लीजिए कि वर्ण विचार में जिंदगी में कभी नहीं अटकेंगे आप, और वो हमेशा के लिए आपके परमानेंट हो जाएगा। जिस तरीके से मेरे स्थाई हो गया है वैसे ही आपके भी यह चीज स्थाई हो जाएगी। तो अपन साथ साथ में बनाएंगे, आप भी मेरे साथ सारणी बनाएं और आप भी सीख लें कि इसे कैसे बनाना है और इसे कैसे समझना है। उसके बाद में बिल्कुल ही भूलने का कोई चांस नहीं है। मैं हर विषय को ट्रिक से ही देता हूँ, मैंने खुद ने हर विषय को ट्रिक से तैयार किया था, इसीलिए आपको भी मैं ट्रिक से ही दे रहा हूँ। और सभी विषय अपने पास ट्रिक से, नियम पढ़ने जरूरी होते हैं एक बार समझने के लिए, लेकिन नियम कभी भी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, एग्जाम में पूछे जाते हैं उदाहरण, और वही कंपटीशन एग्जाम का पैटर्न रहता है। थ्योरेटिकल एग्जाम होता है उसकी बात अलग है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर होता है, उसमें उदाहरण ही पूछे जाते हैं। तो हमें नियम पढ़ लिए, उसके बाद में भी समझ में नहीं आ रहा है इसके साथ में ये मिलता है इसके साथ में ये, तो हमें ट्रिक लगानी ही पड़ेगी। और एग्जाम में ट्रिक्स पढ़ना स्मार्ट स्टडी का, स्मार्ट स्टडी की पहचान है। ठीक है ना, चलिए अपन वो सारणी बनाना सीखते हैं जिससे आपका वर्ण विचार पढ़ना बिल्कुल ही, आप सभी मेरे साथ बनाएं तो काफी अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, एक बॉक्स खींच लीजिए, सबसे पहले एक बॉक्स खींच लेना है, उम्मीद है सब आसानी से देख पा रहे होंगे। उसके 3 कॉलम बनाइए, 3 रो बनाइए मतलब, ठीक है ना, 3 खंडों में उसको बांट देना है। इसको बांट दिया, अब अपन को क्या करना है, देखिए ये इसका आगे वाला भाग है, यानी कि यहाँ पे लिख देना है अग्र, ये इसका पीछे वाला भाग है तो यहाँ पे लिख देना है अपन को पश्च, और ये तो मध्य है, ये तो मध्य है। इस तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा, ये बहुत ही सरल तरीका है, एक बार समझ गए ना बस राम मान है, ये पक्का ब्रह्मास्त्र है आपके। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब यहां पर लिखना है आपको ई और बड़ी ई, यहां पर लिखना है आपको उ और बड़ा हु, इस कॉलम में बस इसका इतना ही काम है। यहां पर लिखना है ई से ही बना होता है ए और आई, यहां पर ऊ से ही बना होता है ओ और औ, बस इतना यहां पर लिखना है। अ लिखना है अपन को यहां पर, एक अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ शब्द है, जैसे डॉक्टर कॉलेज उसमें सब में लगता है ओ,
वो लिखना है आपको यहाँ, और आ लिखना है आपको यहाँ नीचे की तरफ, आ लिखना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, ये लिखना एकदम सही तरीके से इसको लिख देना, बस यहाँ पे इतना काम कर दो कि आप तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिल जाएगी। अब देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब उच्चारण स्थान में एक तो क्या होता है, मुंह के जीवा के अग्र भाग से उच्चारित शब्द होते हैं, अग्र भाग से उच्चारित, ये सारे के सारे, ये चारों जो आपको दिख रहे हैं ये अग्र भाग से उच्चारित शब्द है, ये पश्चिम भाग से उच्चारित शब्द है जो यहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, ये पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं। तो ये एक तो चीज यहीं पे ट्रिक से ये क्लियर हो गई, हो गई बिल्कुल तरीके से। एक आप पढ़ते हैं संव्रत, अर्ध संव्रत, अर्ध विव्रत, विव्रत, उसमें काफी कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और उसी की ये ट्रिक है। अब देखिए इस जो बॉक्स में जो भी शब्द है वो आपके हैं संव्रत, देखते जाइए निकलते जाएंगे ये, यानी कि ई बड़ा ई, उ बड़ा उ, ये आपके आ जाते हैं संव्रत शब्द के अंदर, संव्रत के अंदर आ जाते हैं ये सारे चारों, ठीक है ना। अब यहां पर संव्रत है तो इसके बाद में अर्ध संव्रत, अर्ध संव्रत, अर्ध संव्रत में देखिए ये इसके जस्ट नीचे वाले ये दो शब्द आ जाएंगे आपके अर्ध संव्रत के अंदर, इसको साथ साथ बनाना अच्छे से सीख जाओगे। तो उसके बाद में क्या आ जाएगा, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत में आपके आ जाएगा एक दो तीन और चार, ये चारों आपके, क्योंकि विव्रत ने इनको भी खींच लिया यहां से, ये चारों आपके अर्ध विव्रत के अंदर आ जाएंगे, एक दो तीन और चार, ये अर्ध विव्रत। तो पीछे बचा ये आ, और आ जाएगा किसके अंदर, आपके विव्रत, आ जाएगा विव्रत शब्द के अंदर, जिसमें पूरा मुंह खुलता है, आ बोलने के लिए पूरा मुंह खुलता है, तो विव्रत शब्द के। मैं यहाँ पर नियम नहीं बताऊंगा आपको कि किसमें क्या होता है, मैं आपको ट्रिक्स बताने आया हूँ, ठीक है ना। नियम आप बहुत पढ़ चुके हैं, आपको पता है नियम में क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, फलाना दिखना सब पता है आपको, मैं आपको ये बताने। अब देखो ये मध्य लिखा है तो मध्य में अपने अ लिखा हुआ है तो अ मध्य में आता है, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, समझ लेना, इसको व्यवस्थित बनाना आना चाहिए बस। ये संव्रत है, ये संव्रत है, ये संव्रत है, ये संव्रत है, यानी इस बॉक्स में लिखे हुए सारे संव्रत है, इसके जस्ट नीचे लिखे हुए अर्ध संव्रत है, उसके जस्ट नीचे लिखे हुए अर्ध विव्रत है, और ये भी अर्ध विव्रत के अंदर, और एक आ बचता है, ये आ जाता है आपके विव्रत के अंदर। खेल अभी यही खत्म नहीं हुआ है, खेल अभी शुरू हुआ है, इसी से और ट्रिक्स मिलेगी आपको इसी सारणी से। अब देखिए खेल, ठीक है ना, अब क्या करना है अपन को, ये जो शब्द है यहाँ पे आपको लिख देना है तालव्य, ठीक है, तालव्य, तो यहां पे आपको लिख देना है औष्ट्य। देखना इतने बढ़िया, मतलब ये तरीका है मुझे सबसे बेस्ट तरीका ये सीखने का, ये वाला लगता है जो मैं आज आपके साथ में साझा कर रहा हूं, ठीक है ना। तालव्य और यहाँ पे लिखना है औष्ट्य, यानी कि ये तालव्य है, ये औष्ट्य है, इसमें है ना ये आकंठ्य होता है, इसको ध्यान रखना। आ को अपने सारणी से बाहर इसीलिए लिखा है क्योंकि इसमें अलग से नियम लिखते हैं ना, बाहर लिखने का भी कारण है, ये कंठ्य में आ जाता है, ये औष्ट्य है, चारों ये चारों तालव्य है, लेकिन इसमें से भी है ना केवल मात्र अगर पूछा जाए तो ये तालव्य है, इसमें से केवल मात्र पूछा जाए तो ये औष्ट्य है, ठीक है ना। तो सर ये भी आप कहोगे कि सर ये तालव्य नहीं है, ये तालव्य है, ये भी औष्ट्य है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन लगती है, इसमें क्या लगती है कि ये है, लेकिन आपको पता है कि मुंह के बाद में क्या आता है, अपना गला आता है, कंठ आता है, मुंह के बाद में क्या आता है, कंठ आता है, बीच में क्या आता है, कंठ आता है, तो ये भी बीच में क्या आएगा यहाँ पर, तो तालव्य तो ये है, मैंने कहा तालव्य तो ये है, लेकिन प्लस क्या आता है, कंठ, तो प्लस क्या होगा, कंठ भी होगा, यानी कि तालव्य और कंठ दोनों अगर पूछे जाए तो ये शब्द आते हैं आपके, तालव्य और कंठ दोनों पूछे जाए तो ये आएंगे ए और आई, और यहाँ पे भी अपने ऐसे का ऐसे, औष्ट्य तो है, बताया मैंने कि औष्ट्य तो है, प्लस कंठ आता है तो फिर कंठ्य भी होंगे, अगर औष्टव्य और कंठ्य पूछा जाए, औष्ट्य और कंठ्य दोनों पूछे जाते हैं तो आपके ये ओ और औ, ओ देखिए होठ भी काम में आ रहा है, ओ और आवाज यहां से आ रही, ओ औ है ना, यहाँ पे तालु से आवाज आती है, ए आई ए आई ए आई, और कंठ से भी, कंठ और तालव्य ये पूछा जाता है, तो ये इस तरीके से आपको याद करना, और ये मतलब बिल्कुल ही सरल तरीका। चलिए एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और ये बतानी है आपको कि एक तो अ, एक ई, एक उ और एक री, इन चारों
ये चारों जो है ये आपके ऋष्व कहलाते हैं, ऋष्व यानी लघु। इन चारों को छोड़कर जितने भी स्वर है वह आपके दीर्घ स्वर है। इन चारों को, ये चारों ऋष्व है, इसके अलावा जितने भी है वह दीर्घ स्वर है। ये चारों ऋष्व है, इसके अलावा जितने भी है वह दीर्घ स्वर है, ठीक है। चलिए एक और चीज बताता हूं, ऊ बड़ा ऊ, ओ औ, ये चारों जो है, ये चारों जो है ये व्रतामुखी है। कैसे है? व्रतामुखी। ये चारों व्रतामुखी, इनको छोड़कर जितने भी है वे सब अव्रतामुखी है। व्रतामुखी जिसको बोलने में होट व्रत बनाए, ऊ ऊ ओ औ, सब में व्रत बनता है होठों से, तो ये व्रतामुखी है। इनके अलावा जितने भी है वे अव्रतामुखी है, ठीक है। एक आपके वर्ण निकल कर आएंगे, अंग और अह, ये जो होते हैं ये अयोग वाह कहलाते हैं, जिसके जिसके अंदर किसी की भी कोई भूमिका नहीं होती, ये अयोग वाह कहलाते हैं। ये सारी चीजें देखिए आपके वर्ण विचार में सब निकल कर आ गई है, इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इस सारणी को बनाना सीख लेना, आपके इसमें से सवाल गलत नहीं होंगे। पिक्चर अभी बाकी है, यहाँ पर पूरी नहीं हुई है, आगे मैं आपको और ट्रिक देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, और वह ट्रिक होगी व्यंजन से संबंधित की, व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है। इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, आपने यहाँ पर कोई किसी तरह की बंदिश नहीं है, आपकी सेवा के लिए मैं आया हूँ और सेवा के लिए क्लास लेकर आता हूँ। अधिगम की क्लासेस मैंने लगभग सारी डाल दी है, कुछ एक बाकी है तो मैं डाल दूंगा। अगली साइकोलॉजी की जो महत्वपूर्ण क्लास है वो व्यक्तित्व की रहेगी, उसे मिस नहीं करें। उसमें मैं परिभाषाओं की शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं आपको और व्यक्तित्व के कठिन टॉपिक को बिल्कुल सरल तरीके से अपन पढ़ेंगे। अब चलते हैं आगे व्यंजनों की ट्रिक की तरफ, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, हिंदी जितनी सरल लगती है उतनी सरल है नहीं, और जितनी सरल लगती है उतनी ही सरल है, बस पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। और वही पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सारे टॉपिक्स जो है हिंदी के ट्रिक से पढ़े जा सके। मैं तो नियम पढ़ता ही नहीं था, मैं इसी तरीके से पढ़ता था और मेरे 30 में से 29 नंबर रेट में आए थे, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और तरीका यही था, जब कहीं जाते ना तो कोई टीचर आते पढ़ाने तो उसको फंसाने का काम करते थे, और जब फंसाने का काम करते हैं उसको पहले से एक्टिव रहना पड़ता है, अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, और इस वजह से क्या है कि हमारी हिंदी अच्छी होगी। हिंदी कहीं आपकी हिंदी ना करा लें, इसलिए इस चीज को अच्छे से समझ लेना। और ये क्लास कितनी अच्छी लगी और कितनी इफेक्टिव थी ये इसकी रीच बताएगी, कि ये कहां तक पहुंचती है क्लास, कितने इस पर लाइक्स आते हैं, कितने शेयर होते हैं, उससे पता चलेगी कि ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी और आपको कितनी पसंद आई है। चलिए अब चलते हैं व्यंजन के उच्चारण स्थान की तरफ। देखिए व्यंजन जो है मुख्य, आप 25 व्यंजन अपन मानते हैं तो वो आपको वर्ग ध्यान रखने पड़ते हैं। अब कई बार होता क्या है कि हमने बचपन में तो अपने पढ़ी थी वर्णमाला, लेकिन अब क्रम हम खुद ही भूल जाते हैं कि क्रम क्या है। कचटतप ऐसे क की लाइन पहले आएगी वो तो सबको बताया, लेकिन फिर च आएगी या ज वाली आएगी, कौन सी आएगी, च वाली आएगी, ट वाली आएगी, त वाली, तो ये क्या है कि कई जने भूल जाते हैं। तो इस चीज को एक चीज से याद रखें, इसमें कोई यहाँ पर शर्म की बात नहीं है, भूलना क्या है, मानवीय एक गुण है, मानवीय गुण है भूलना, तो ठीक है ना। तो इसको याद करने का इसका एक तरीका है कि आपने बाहुबली पिक्चर देखी है, और बाहुबली में आपको दो चीजें अच्छी तरीके से याद होगी, एक तो स्वयं बाहुबली और एक कटप्पा। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, कटप्पा, यहाँ पे क्या याद रखना है, कटप्पा। अब मैं आपको क्रम बता रहा हूँ कि क्रम को कैसे याद रखा जाए, यही चीज आप स्कूल में भी पढ़ाते हैं तो बहुत इफेक्टिव होता है, और मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। देखिए कटप्पा याद रखना है, अब करना क्या है, इस कटप्पा के बीच में अपन को दो शब्द लगाने, कटप्पा तो याद है ही अपन को, बिल्कुल कटप्पा को स्पेस करके लिखे और उसके बीच में दो शब्द लगाने, उसके बीच में क्या लगाना है, यहाँ तो लगाना है च और यहाँ लगाना है ट। अगर यदि आपको सीधी ऐसे याद ले जाती है लाइन कच ट तप, तब तो आपके बहुत कोई समस्या आएगी नहीं रहती है, तो कटप्पा याद रख लेना और च और त बीच में लगा देना, और इसी साथ में आपके जो है क्रम बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद में आप उसमें और अंतस तो आप कर ही सकते हैं, स स स ह य र ल व, ये तो आप इसमें कर लोगे, इतना तो याद अपन को रह जाता है, ठीक है ना। तो अब इनकी उच्चारण स्थान इसके साथ में बताता हूँ, इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं, ठीक है ना। अब संस्कृत से लिए, मैंने उसमें थोड़ा सा संशोधन करके अपने हिंदी के हिसाब से उसे अनुकूल बना दिया है। तो इसमें सबसे पहले अपन इस वर्ण वाला लेते हैं, इसका होता है आपके फॉर्मूला अकुह विसर्ग कंठ, अकुह विसर्ग कंठ, यानी कि एक तो आ जाएगा आपके अ,
कंठ से उच्चारित होने वाले, एक तो आ जाएगा आपके अ, ठीक है ना, अ के अलावा क वर्ग पूरा, क वर्ग पूरा यानी कि क ख ग गंग, अणमण खाली नहीं होता है, क ख ग गंग, क ख ग गंग, ठीक है ना, क वर्ग पूरा। उसके बाद में आपके आ जाता है ह, उसमें में से आ जाएगा आपके ह, और इसके अलावा क्या आ जाएगा, विसर्ग। ये सारे उच्चारण स्थान याद करने के लिए आपको नंबर एक इसको याद करना है, अकु विसर्ग कंठ, अकु विसर्ज्य नाम कंठा, संस्कृत में कहते हैं अकु विसर्ज्य नाम कंठा, मैंने बना दिया अकु विसर्ग कंठ, ठीक है ना। एक चीज तो ये हो गई, अब इसको लेते हैं अपन, ठीक है ना। दूसरा तो इसमें आपको याद क्या रखना है, इचुयस, इचुयस तालु, इचुयस तालु। तो देखिए एक तो आ जाएगा आपके यहां से निकल गया, आपने पिछली सारणी में भी ई को पढ़ा था, तालव्य पढ़ा था, याद हो आपको, देख लेना अच्छे से, ठीक है ना, ई आ गया। इसके बाद में अपने आ जाएगा च वर्ग पूरा, च वर्ग पूरा का पूरा आ गया, ठीक है ना, ई आ गया, च वर्ग पूरा आ गया। अंतस्थ में से आ जाएगा आपके य, और उसमें में से आ जाएगा स, इचु यस, देखो एक दो तीन चार, इचु यस तालु, य और स, ये सारे उच्चारित होते हैं तालु से। ये कहां से उच्चारित होते हैं, तालु से। नंबर तीन, तीसरी की तरफ चलते हैं, अब आ जाता है ट, तो इसका है आपके भैया रिटुरस, रिटुरस मूर्धा, रिटुरस मूर्धा। तो रिटुरस मूर्धा में क्या करना है, मैंने वीडियो चालू तो किया है या नहीं देख लेता हूं एक बार, हाँ चालू है। क्या है कि वन मैन आर्मी को बोल जाऊं और पूरी क्लास ले लूं और उसके बाद में पता चले कि अरे वीडियो चालू ही नहीं किया था, तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है। रितु रस तालु, तो रितु रस में क्या करना, एक तो आ गया री, ठीक है, एक ये ट वर्ग पूरा, ट वर्ग पूरा, ट ठ डंग, ट डन, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ये इसमें च छ ज ञ ञ होता है, अनमन खाली नहीं होता, च छ ज ञ ञ, ठीक है ना, ट वर्ग आ गया। और क्या आ जाएगा, अंतस्थ में से र आ गया, उसमें में से स आ गया, ये आ गया आपके। ये इनका उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से होता है, याद कर लेना अच्छी तरीके से, फिर बाद में मत कहना सर बताया नहीं, ठीक है ना। ये हो गया आपने ट वर्ग भी हो गया, अब चलते हैं इसकी तरफ, त की, त वर्ग की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, तुलसी दंत, ये याद रखना है, तुलसी दंत यानी कि दांतों से उच्चारित होने वाले, ठीक है ना, उच्चारण स्थान इनका दांत होता है। तो ये सबसे पहले तो आ गया इसमें त वर्ग, त वर्ग, ठीक है ना, तुलसी दंत, त वर्ग आ गया। उसके बाद में यहां से आ जाएगा ल, ठीक है ना, और ये आ गया आपके स, ये वाला स स स, क्रम भी यही होता है इनका, ठीक है ना, ये याद रखना है ना, य र ल, और एक अंतस्थ में से बच जाता है व। ये व जो है ये दंतोष्ट है, दंतोष्ट है, दंतोष्ट किसे कहते हैं, दांत और होठ दोनों काम में लेते हैं, देखना व उच्चारित करके देखना, व व करोगे तो दांत नीचे वाले होठ के अड़ेंगे और तब उच्चारित होगा आपके व, तो ये दंतोष्ट में आ जाएगा। और ये आ गया आपके तुलसी दंत, हम मारवाड़ी में याद करते हैं, अगर इसी को इस तरीके से याद किया था, तुलसी बारह दौंत, तलसो बारह दौंत, तो फिर क्या बिल्कुल आसानी से याद होगा, तलसो बारह दौंत, तो त ल स और दांत हो गया। चलिए ये एक रह गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने का इसका है बिल्कुल सरल है, उपओष्ठ, उपओष्ठ। तो एक तो आ गया उ और एक आ गया प वर्ग पूरा का पूरा, प वर्ग पूरा का पूरा, इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये याद कर लिए और वो सारणी याद कर ली तो उसके बाद में आपके सवाल गलत होने के चांस बिल्कुल न के बराबर है। बस एक बार याद अच्छे से होने चाहिए, तरीका पता होना चाहिए कि कैसे करना है। आपको है ना वो नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है कि एक दो तीन है या एक दो चार है या तीन चार है या वो, उसमें तो कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, मेरे तो कभी दिमाग में बैठा ही नहीं वो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था मैं तो उस तरीके से तो कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन इस तरीके से जब पढ़ता हूँ तो मतलब दिल बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन, एकदम सरल तरीके से याद हो जाता है और ऐसा दिमाग में बैठता है, धन्य हो अर्जुन सिंह जी सर जो मतलब इस तरीके से दिमाग में बिठाया है कि आज दिन तक नहीं भूल पाए, और इतना मतलब बढ़िया तरीका तो और किसी सर ने दिया भी नहीं था। और वही चीज आज हस्तांतरित कर रहा हूं मैं आपकी तरफ और आपको हस्तांतरित आगे करनी है, और इसी तरीके से क्लासेस आती रहेगी, आप शेयर करते रहें, जितनी रीच बढ़ती है ना उतना पढ़ाने का मजा आता है, उतने ही ऊर्जावान होकर हम पढ़ाते हैं भाई, मतलब इच्छा होती है कि और पढ़ाया जाए, एक क्लास क्यों, दिन की दो क्लास डाली जाए, वही
हौसला मैं चाहता हूँ आपसे, आपसे सपोर्ट चाहता हूँ, आप शेयर दबा के करें, मन लगा कर पढ़ें और दबा कर शेयर करें। ये चीज मैंने आपको आज वर्ण विचार पूरा ही चुटकियों में याद करा दिया। अगर आप दो से तीन बार, एक से दो बार भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे, तीन बार भी प्रैक्टिस कर ली यदि सारणी बनाने की और ये फॉर्मूले याद कर लिए, तो आपके सवाल गलत होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है ना साथियों, तो आप अच्छे से पढ़ते रहें, अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे और आपसे आशा करूंगा कि आप शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।